नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर राजस्थान ने प्रयोगशाला वैकेंसी 2022 का डिटेल में सिलेबस डाला है। तीनों सब्जेक्ट्स, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो होम साइंस हो, तीनों का इन्होंने परीक्षा स्कीम पैटर्न पूरा चीज़ें डाली है। तो आइए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस में बदलाव हुए हैं, क्या क्या नई चीज़ें जुड़ी है सिलेबस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है और नई नई वीडियोज़ आपके लिए हम लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहली जो पेपर स्कीम है वो है साइंस वर्क की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं दो पेपर होंगे। पहला पेपर जिसमें चार सब पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें तीनों पार्ट आ देते हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी। दूसरा पार्ट है उसमें करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान का करंट अफेयर आता है। तीसरा पार्ट है उसमें जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया आता है। और चौथा जो सब पार्ट है उसमें आता है एजुकेशनल फिजियोलॉजी। तो पिछले साल का आप देखें, अगर थोड़ा एनालिसिस करें, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं 2018 की इस पेपर जिन्होंने दिया है, वो देखेंगे ये तीनों सब पार्ट पिछले साल नहीं थे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ना तो पिछले साल करंट अफेयर था, ना ही जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया थी, ना ही एजुकेशन और फिजियोलॉजी, ये तीनों पार्ट पिछले साल नहीं थे, सिर्फ राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री था और ज्योग्राफी। तो इस बार ये थोड़ा बड़ा बदलाव किया है पेपर फर्स्ट में। इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे और इसमें आपके मार्क्स 200 होंगे और आपको 2 आवर्स का इसमें टाइम मिलेगा। दूसरा जो पेपर है उसमें 3 सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसमें भी आपके क्वेश्चन 100 होंगे और इसमें आपको मार्क्स 200 मिलेंगे और इसमें जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है, वो 2 घंटे का होगा। टोटल आपके मार्क्स वो हो जाते हैं 400 के और क्वेश्चन आपके 200 हो जाते हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ है, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का। दूसरी चीज़ इन्होंने जो नीचे दी हुई है आप देखेंगे, नोट लगा के, प्रत्येक प्रश्न पत्र में सभी ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन होंगे, ये तो सबको ही पता है। और परीक्षा में दूसरा जो है, इन्होंने मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा है पेपर को पास आउट करने का, वो 40% रखा है। तीसरी चीज़ है नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी और वो 1/3 होगी। तो पहला जो पेपर है, पेपर फर्स्ट, उसमें है राजस्थान भूगोल, ऐतिहासिक, संस्कृति और सामान्य ज्ञान, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान, इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हें आप आराम से देख सकते हैं। राजस्थान भूगोल इसका दूसरा पार्ट है, तीसरा इसमें करंट अफेयर्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड एंड इंडिया ज्योग्राफी, तीसरा है शैक्षणिक मनोविज्ञान जिसे एजुकेशन ऑफ फिजियोलॉजी, ये आपका चौथा पार्ट है इसमें। अब आ जाते हैं पेपर सेकंड, जिसमें बायोलॉजी है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आपका फिजिक्स है और तीसरा पार्ट आपका केमिस्ट्री है। अब आ जाते हैं दूसरे जो स्कीम इन्होंने पेपर पैटर्न दिया है, वो ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास 12th में हैज़ अ ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और ग्रेजुएशन भी जो ज्योग्राफी से कर रहे हैं उनके लिए। इसमें पहला जो पार्ट है इन्होंने उसमें हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान का भूगोल रखा है, उसमें मार्क्स आपके 100 है। और जो दूसरा पार्ट है उसमें ज्योग्राफी रखा है, उसका 200 उसमें मार्क्स है, आपके टोटल 300 का ये क्वेश्चन पेपर है और उसमें आपको 3 आवर्स आपको टाइम दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई भी क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है इन्होंने, क्वेश्चन कितने के आएंगे, पर नॉर्मली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो उसके हिसाब से आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहले पार्ट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और दूसरे पार्ट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे। अगर ऊपर वाली स्कीम को आप देखें, लैब असिस्टेंट वाली को, जो साइंस वर्क की है, जो ऊपर वाली, उसको देखे जाए तो इसमें भी वही सेम 40% आपको मिनिमम मार्क्स लाने होंगे और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका सिलेबस आप देख सकते हैं, इसमें राजस्थान जो भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, ये पहला पार्ट रहा और ज्योग्राफी जो पार्ट है उसमें टोटल 66 टॉपिक्स हैं और उनमें वेरियस सब टॉपिक्स पे आप देख सकते हैं आराम से उसको बैठ के। तीसरा जो पार्ट है उसमें अपन आ जाते हैं, वो है होम साइंस का। होम साइंस में भी सेम स्कीम है जो कि आपके ज्योग्राफी वाले पार्ट में रही है, भाग एक में वही राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और ज्योग्राफी आएगा, उसके अंक 100 के होंगे। दूसरा जो पार्ट है वो है होम साइंस, उसमें जो मार्क्स हैं वो 200 के, टोटल 300 का, ये भी वही सेम स्कीम है और 3 आवर्स का आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। 40% इसमें भी मिनिमम क्राइटेरिया आपको लाने होंगे और इसकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है
आप देख सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके बाद में सिलेबस को, या डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट से। ये आज का वीडियो था लैब असिस्टेंट के सिलेबस को लेके, जो मैं आपके लिए लेके आया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।